ये जो हमारे डीडीसी मेंबर खुशामदीन भी कह रहा हो, मुबारक भी कह रहा हो और शुक्रिया भी कर रहा हो। प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुजन, यहाँ जो हमारे युवा यूथ बैठे हैं, मेरे सलाम के साथ साथ मैं उनको कहता हूँ कि वो सोचे भी। आज जो हमारे यहाँ फंक्शन है कि हमारा जो यूथ है, युवा है, वो इग्नोर क्यों होता है सामाजिक और सियासी जिम्मेदारियों से। मैं इसका सारा कसूर सिस्टम या जो इस मुल्क के चलाने वाले हैं या जो हमारा निजाम है, सारा कसूर मैं इस पर नहीं डालता, क्योंकि जो हमारा नौजवान है, हमारा युवा है, यूथ है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां है, उसका अपना एक एम है, उसके अपने गोल्स होते हैं। जब तक वो खुद उसमें थाम न ले कि मेरे एम क्या है, मेरे लाइफ का मकसद क्या है, मुझे आगे कैसा बढ़ना है, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम उसको आगे नहीं ला सकता है। हम लोग कहते हैं कि मैं सियासी नहीं हूं, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम सियासी नहीं हैं तो हम ह्यूमन नहीं हैं, क्योंकि गैर सियासी जानवर ही होते हैं। हमको सियासी समाजी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो युवा होता है, यूथ होता है, यूथ हमेशा से डाउटफुल रहा है। डाउटफुल क्यों रहा है? यूथ जब भी कोई थाम लेता है कि मेरे लाइफ का एम ये है, मेरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी यहाँ जिम्मेदारी है कि हम इस सोच को समाज में लाए और सोच को आगे बढ़ाए, ताकि समाज के अच्छे लोग, दानिश्वर लोग, काबिल लोग, ज़हनी लोग, जो इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं जब तक आप अपनी सामाजिक और सियासी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे। परवाज है दोनों की, जहां मैं एक ही, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। और मेरी यही गुजारिश होगी कि हमें शाहीन बनना है, न कि करगिस बनना है। हमें किसी की भी बेकसी या वे नहीं जाना चाहिए, हमें खुद निकलना है। हमें किसी का रहम करम नहीं चाहिए, हमें खुद निकलना है, खुद उठना है, खुद बदलना है अपने आप को और इस समाज को और इस समाज के चलाने वालों को।